मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजनांदगांव में आयोजित बीजेपी की नामांकन रैली में शामिल हुए। बता दें कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की 3 सीटों महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव में आज नामांकन जमा करने का अंतिम दिन है। राजनांदगांव से बीजेपी उम्मीदवार संतोष पांडे ने पर्चा दाखिल किया। इससे पहले इसी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल नामांकन जमा कर चुके हैं। वहीं कांकेर और महासमुंद में भी दोनों पार्टियों के प्रत्याशी नॉमिनेशन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पीएम मोदी पर चरणदास महंत के बयान से कांग्रेस की संस्कृति उजागर हुई है। प्रधानमंत्री को कांग्रेस नेताओं ने क्या क्या नहीं कहा, अब देखिए जनता ने उन्हें कहां लाकर खड़ा किया है। त्रिपुरा, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड सब दुनिया दुनिया रहा है। 2014 पहली भारत के गांव गांव शहर शहर में बम फूटे, अभी कोनो बम फूटे का बता तो बम भोरैया जाना था, बम फोड़ के दिया जा, हाँ तब बिरयानी कोनो नहीं खिला है, डंडम मार ही गई जाना ते घर दे दिया हमें। क्लियर है मामला भैया? 500 साल तक अगोरिन सारा जनता और सारा जनता अगोरिन ध्यान प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर, भारतीय जन चेतना के प्रतिमान, उनका भव्य मंदिर अयोध्या जी में निर्मित हो और भगवान विराजमान हो ने। ये अच्छा बड़ बड़ काम मोदी जी के शासन काल में हुए है, अच्छा बड़ बड़ काम हुए है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, विकट के लंबा लिस्ट है, फिर ज्यादा बेरा नहीं है बोले के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सुने पर आए हन। इहो भी छत्तीसगढ़ में नवा सरकार विष्णुदेव जी के सरकार बने के बाद 3 महीना के अंदर अंदर अच्छा काम हुए है कि पूरा देश में, पूरा देश में कोनो राज्य के सरकार ऐसा नहीं है जिन 3 महीना में अतेक काम करके दिखाई से। मैं संगी संगवारी थोड़ा निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, कवर्धा तक वहां आएगा, कवर्धा जिला वाले का, कवर्धा जिला वाले का हाथ उठावेगा, हमारे दीदी मन सब आएगा, देखे रहे भैया देखे रहूगा। कवर्धा जिला में जिला के मिला के चक्का वोट माते अपन विधायक मन ल जितवाए हस, और मोर चुनाव तो हो गएगा भैया, ये मोदी जी के चुनाव है, मोदी जी के चुनाव, अरे 4 वोट यादर पाही फिर कम नहीं होना चाहिए संगवारी, ये बात तो हम सब याद रखी। भजन बात कवर्धा पंडरिया के है, तेने बाद राजनांदगांव, मानपुर, मोहला, डोंगरगढ़, खुची और डोंगरगांव पर तत्व होना चाहिए, खैरागढ़ भी हुई होना चाहिए। मैं निवेदन पूर्वक आप सब जिला कहना चाहता हूँ और विशेष रूप से मंच में हम सब के बीच विराजमान हमर मुखिया, हमर नेता, यशस्वी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय जी विराजे हैं, एक बार जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन करो भैया हो। ये सभा में हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोदी के गारंटी ला साय साय पूरा करैया आदरणीय विष्णुदेव साय जी हमारे बीच में मौजूद, हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रभारी आदरणीय नितिन नवीन जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय किरण देव जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी, हमारे ये लोकसभा क्षेत्र के सहज सरल मेहनती प्रत्याशी आदरणीय संतोष पांडे जी मंच में विराजमान, भारतीय जनता पार्टी के जम्मो बड़े बड़े नेता मन और अतेक बड़े संख्या में उपस्थित जम्मो भाई बहनी मल्ला मैं प्रणाम करता हूँ, राम राम करता हूँ, जय जोहार करता हूँ। अभी दिनेश भाई कहत रही है कि नारा लगात रहे, अभी 4 महीना पहली जब विधानसभा के चुनाव हुई तो पूरा छत्तीसगढ़ मा एक नारा गूंजत रही से, का नारा रही से सुनता है, अरे ओ नहीं सही बो, अरे ओ नहीं सही बो, बदलीस के नहीं। हम सभी के बीच उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी, लोकप्रिय, सहज, सरल ऐसे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी हम सबके बीच है, करतल ध्वनि से आप उनका अभिनंदन करें। और लगातार पिछले विधानसभा चुनाव और उसके 1 साल पहले से
और अभी लोकसभा चुनाव में पहले सह प्रभारी थे, अभी हम सभी को प्रभारी के दृष्टि से छत्तीसगढ़ प्रांत भारतीय जनता पार्टी के और चुनाव के प्रभारी भी, और बिहार शासन में कैबिनेट मंत्री के रूप में हम सबके बीच उपस्थित है आदरणीय नितिन नवीन जी। करतल धोनी से अभिनंदन करें सब। मंच पर विराजमान हमारे उप मुख्यमंत्री द्वय आदरणीय अरुण साहु जी, हमारे आदरणीय विजय शर्मा जी, हमारे आदरणीय शिवरतन शर्मा जी, नारायण चंदेल जी, अशोक शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता राजेश मूलक जी, जिला के अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के मंत्री मधुसूदन जी, जिला के अध्यक्ष जी, हमारे सभी विधायकगण, भूपेन्द्र सविनी जी, संभाग के प्रभारी अभिषेक सिंह जी, पूर्व सांसद, हमारे सबो नेता मल्ल सुने, प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर हमारे दोनों डिप्टी सीएम और प्रत्याशी भी आपन से आशीर्वाद मांगी है, तो करले पहली और नेता मल्ला भी आपन सुने हो। मोला ज्यादा कुछ कहना नहीं है, ये जो लोकसभा के चुनाव है ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए बस चुनाव है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं, तो ऐसे काम नहीं चले, दोनों हाथ मुट्ठी बांध के भीच के अपन बताओ। हमारे चुनाव के प्रदेश के प्रभारी यहाँ बैठी ने नितिन नवीन जी, हमला पता चलना चाहिए कि आपन सब संकल्प ले हो कि तीसरी बार मोदी जिला प्रधानमंत्री बनाना है, दोनों हाथ भीच के चले। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 10 साल से देश के प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे थे, आज वो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। आज 140 करोड़ भारतवासी के मान और सम्मान पूरे दुनिया में बढ़ाने वाला हमारे प्रधानमंत्री, आज जहां भी जाते विदेश में वहां पूरा मोदी मोदी के नारा लगते, ऐसे प्रधानमंत्री जो हमारे देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एला मूल मंत्र मानते हुए देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके विकास पर काम करते है कि नहीं, तो ऐसे प्रधानमंत्री ला तीसरी बार और प्रधानमंत्री बनाना है ना, तो क्या करना पड़ी। आप मन के क्षेत्र के जो हमारे प्रत्याशी हैं संतोष पांडे जी, ओला प्रचंड मतों से जीता के सांसद बना के दिल्ली भेजना पड़ी। एक बार आपन बना रहा 5 साल सांसद के रूप में बहुत अच्छा काम करें, जब लोकसभा के सत्र चलत रही तो आपन देखत रहा ना कैसे मजबूती के साथ प्रदेश के समस्या आप मन के राजनांदगांव के समस्या ला पार्लियामेंट में उठात रही। एक प्रखर वक्ता और संगठन में लंबा काम करे के अनुभव ऐसा लोकप्रिय प्रत्याशी श्री संतोष पांडे जी, मल्ला आप मल्ला 26 अप्रैल के अपन बहुमूल्य वोट ला कमल छाप में बटन दबा के प्रचंड मतों से सांसद बना के भेजना है, और एक कांग्रेस पार्टी ला सबक सिखाना है। 5 साल ठग के राज करीन, एक बड़ा